हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको टैली प्राइम की एक और अमेजिंग TDL फाइल के बारे में बताएंगे। इस TDL फाइल की मदद से आप टैली प्राइम के अंदर अपनी कंप्लीट रिपोर्ट्स को एक ही जगह पे देख सकते हैं, यानी एक तरीके का आप अपना कंप्लीट डैशबोर्ड देख सकते हैं कि आप बिजनेस के अंदर कितनी सेल करते हैं, कितनी परचेज करते हैं, कितना आपका नेट प्रॉफिट है, कौन से आपके फिक्स एसेट्स है, कौन से आपके प्रोविजंस है। यानी इन शॉर्ट में कहा जाए तो आप अपने पूरे बिजनेस का एक इन शॉर्ट में डैशबोर्ड देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन सी TDL फाइल है और आप इसको किस तरीके से यूज करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और टैली प्राइम के अंदर हम आपको डैशबोर्ड TDL फाइल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि डैशबोर्ड TDL फाइल क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है। तो डैशबोर्ड यानी आपको इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है कि आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितनी भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जितना भी आप बिजनेस कर रहे हैं, उसकी कंप्लीट रिपोर्ट आपको एक ही जगह पे दिख जाएगी और पूरी रिपोर्ट आपको सिस्टमेटिक तरीके से दिखेगी कि कितने आपने सेल की है, कितनी परचेज की है, कौन कौन सी स्टॉक आइटम आपकी ज़्यादा बिकती है, कौन सी स्टॉक आइटम आपकी कम बिकती है, कितना आपका कैश फ्लो है, कितना आपका बैंक के अंदर बैलेंस है, नेट प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। अब कई लोगों को लगेगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन टैली प्राइम के अंदर दिखती तो है, लेकिन यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही डैशबोर्ड पे आपको कंप्लीट शो होगी। तो आइए सबसे पहले इस TDL फाइल को लोड कर लाते हैं, उसके बाद आपको इसका वर्क दिखाते हैं, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी वो TDL फाइल है जिसका नाम है डैशबोर्ड TDL फाइल। इस TDL फाइल को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में लोड करने के लिए इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में आइए और सिक्योरिटीज वाले टैब में आके इसका पूरा ऑब्जेक्ट नेम यहाँ से कॉपी कर दीजिए। इसे कॉपी करने के बाद दोबारा से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आ जाइए और गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए ऊपर की तरफ हेल्प पे क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की F1। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सेकंड लास्ट ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है TDL एंड एडोन्स, इस पे क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की O। इस पे क्लिक करने के बाद जितनी भी TDL फाइल्स हमने लोड की होंगी वो सारी हमें सामने की तरफ डिस्प्ले हो जाएगी और नई TDL फाइल को लोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन दिख जाएगा जिस पे लिखा है मैनेज लोकल TDLs, या तब इस पे क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की F4। इस पे क्लिक करने के बाद हम TDL कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जिस पे लिखा है लोड सेलेक्टेड TDL फाइनेंस स्टार्टअप, इस पे यस कर दीजिए और नई TDL फाइल को लोड करने के लिए एंटर प्रेस करते हुए बिल्कुल लास्ट में आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले से काफ़ी सारी TDL फाइल्स को लोड किया हुआ है। तो बिल्कुल लास्ट में जहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट आ रहा है यहीं पे नई TDL फाइल लोड होगी। उसके लिए ऊपर की तरफ फाइल सिलेक्शन में दो तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं, सबसे पहला स्पेसिफिक पाथ और दूसरा सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक पाथ पे क्लिक कर देंगे और उस TDL फाइल का पूरा पाथ यहाँ पे पेश कर देंगे जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+V और सिंपल इसे एक्सेप्ट करा देंगे। अब इसे एक्सेप्ट कराने के बाद देखेंगे यहाँ पे डैशबोर्ड TDL फाइल सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। तो आइए देखते हैं अब ये वर्क कर रही है या नहीं। तो इसका वर्क देखने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली में सबसे लास्ट में देखेंगे आपको एक नया ऑप्शन दिखेगा जिस पे लिखा है ओनर डैशबोर्ड। ये ऑप्शन अभी आपकी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे आप इस TDL फाइल को लोड कर लेंगे ये ऑप्शन आपकी टैली प्राइम में भी आ जाएगा। और साथ ही में आप देखेंगे गेटवे ऑफ टैली में आपको काफ़ी सारे और भी ऑप्शन दिख रहे हैं, राइट साइड में भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। ये सारे ऑप्शन TDL फाइल्स की मदद से ही ऐड किए गए हैं और जितनी भी TDL फाइल्स है सभी आपको एक साथ प्रोवाइड की जाएंगी। तो आइए देखते हैं ओनर डैशबोर्ड TDL फाइल क्या करती है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते आप देखेंगे आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर का एक डैशबोर्ड आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कितना आपका कैश और बैंक के अंदर बैलेंस है, कितना आपका कैश फ्लो है, आपके आउटस्टैंडिंग्स कितने हैं, कैपिटल एंड फिक्स एसेट्स कितनी है, लोन्स कितने हैं, परचेज एंड सेल कितनी है, प्रॉफिट और लॉस कितना है, आपके टॉप 5 कस्टमर्स कौन से हैं, यानी ऐसे 5 कौन से कस्टमर है जिससे आप सबसे ज़्यादा सेल करते हैं। देन उसके बाद आपके टॉप 5 सप्लायर्स कौन से हैं, ऐसे कौन से 5 सप्लायर है जिससे सबसे ज़्यादा माल परचेज किया जाता है, टॉप 5 रिसीवेबल्स कौन से है, टॉप 5 पेबल्स कौन से है। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही स्क्रीन पर आ जाती है। फास्ट मूविंग आइटम्स कौन सी है, यानी ऐसी कौन सी स्टॉक आइटम है जो काफ़ी जल्दी सेल हो जाती है। स्लो मूविंग आइटम्स कौन सी है, यानी ऐसी स्टॉक आइटम्स कौन सी है जो धीरे धीरे सेल होती है, यानी स्लो मूविंग्स है। और ऐसी नॉन मूविंग आइटम्स कौन सी है जो बिल्कुल सेल नहीं होती। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही स्क्रीन पर मिल जाएगी। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन को हम आपको राउंड चेक कराते हैं कि इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो हमारी फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू आ रही है 1950000। तो ये देखते हैं ये यहाँ पे सही वैल्यू आ रही है या नहीं।
तो फिक्स एसेट्स को देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए हम बैलेंस शीट में आ जाते हैं और बैलेंस शीट में आप देखेंगे एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स की वैल्यू आ रही है 19,50,000। यही सेम वैल्यू हमें वहां पे भी शो हो रही थी। अब यहाँ पे एक वैल्यू अब और देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ रहा है 325,38,596। तो यही देखते हैं ये हमारा मैच हो रहा है या नहीं। तो दोबारा से ओनर डैशबोर्ड में आ जाते हैं। अब ओनर डैशबोर्ड में आप देखेंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट हमारा बिल्कुल सेम आ रहा है 325,38,956 और नेट प्रॉफिट भी हमारा बिल्कुल मैच हो रहा है। यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर की है उससे रिलेटेड हमारा एक पूरा ओनर डैशबोर्ड हमें दिख जाता है। यानी अगर हम एक एक करके रिपोर्ट्स को नहीं देखना चाहते तो हम ओनर डैशबोर्ड पर क्लिक कर देंगे और जो भी हमारे बिजनेस के अंदर वर्क हो रहा है, जो भी हमारे बिजनेस की रिपोर्ट्स हैं, वो सारी हमें एक ही स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। टैली प्राइम की काफ़ी एडवांस डिटेल फाइल है। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कितनी आपकी एसेट्स है, कितनी आपने टोटल सेल कर दी है, कितनी आपने टोटल परचेज कर दी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सेल परचेज की सारी फिगर्स आपको आ रही है। और नीचे की तरफ हमने आपको बताया तीन तरीके के आइटम्स आ जाएंगी, फास्ट मूविंग यानी कौन सा सामान काफी जल्दी सेल होता है, स्लो मूविंग कौन सा स्लो सेल होता है, और नॉन मूविंग यानी कौन सा सामान है जो नहीं बिक रहा। अगर आपका कोई स्टॉक नॉन मूविंग के अंदर आ रहा है तो आप उससे रिलेटेड अपने बिजनेस के अंदर स्टेप्स उठा सकते हैं। और साथ ही हम देखेंगे गेटवे ऑफ टैली में आप नीचे की तरफ राइट साइड में और ऊपर की तरफ काफी सारे अलग अलग तरीके के ऑप्शंस आ रहे हैं। ये सारे ऑप्शंस आपकी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में नहीं आ रहे होंगे क्योंकि सारे ऑप्शंस टीडीएल फाइल की मदद से ऐड किए गए हैं और ये सारी टीडीएल फाइल्स आपको एक साथ ही प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप टैली की ये और बाकी सभी टीडीएल फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए एक ऑल इन वन ऑफर लाए जिसके अंदर आपको 5 ट्रेनिंग कोर्सेज एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में टैली प्राइम की ऑल टीडीएल फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर में आपको टैली ईआरपी 9 बेसिक टू एडवांस कोर्स, टैली प्राइम बेसिक टू एडवांस कोर्स, पेरोल मैनेजमेंट कोर्स, एमएस एक्सेल बेसिक टू एडवांस कोर्स और साथ में एडवांस कंप्यूटर कोर्स, ये पांचों ट्रेनिंग कोर्स आपको एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे और इन सभी कोर्सेज के साथ आपको टैली प्राइम की ऑल टीडीएल फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी और साथ में फ्यूचर में क्रिएट होने वाली सभी टीडीएल फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर ये सभी कोर्सेज विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में सभी टीडीएल फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके इसमें एनरोल कर सकते हैं और इन सभी कोर्सेज का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और साथ ही में अगर आप इन सभी कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हर एक कोर्स के नीचे आपको मोर डिटेल का एक ऑप्शन दिख जाएगा, आप इस पे क्लिक करके सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यानी किस कोर्स में आपको क्या कंटेंट दिया जा रहा है और किस कोर्स के साथ आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल के अंदर मिल जाएगी। और साथ ही में अगर आपको इस ऑफर और इन कोर्सेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डाउट है तो आप नीचे की तरफ इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को फिल करके अपने डाउट्स और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और साथ ही में इस ऑफर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप हमारे इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहां पे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल के अंदर देख सकते हैं। और अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके 500 के अंदर इन सभी कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं और इन सभी कोर्सेज के साथ साथ आपको टैली प्राइम की ऑल टीडीएल फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो आई होप आप इस ऑफर में एनरोल करना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अपनी अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।